हाय गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विनवल रियल्टी सर्विसेज। आज जिस प्रोजेक्ट को मैं शूट कर रहा हूँ वो अपने आप में बहुत स्पेशल है। दैट इज़ ओमेक्स चांदनी चौक एंड इट इज़ इन चांदनी चौक। सो इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट। 4.5 एकड़ का कमर्शियल है और जैसा कि आप देख सकते हो PPP मॉडल में बनाया गया है फ्रॉम NDMC, और जो पहले NDMC था जो आज चेंज होके हो चुका है MCD, जो मतलब कम्प्लीटली एक पैनल में आ गया है, उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। सो प्रीवियसली इट वॉज अ पार्किंग स्पेस, नॉट देयर मेकिंग अ कमर्शियल आउट ऑफ इट। सो गाइज, हम आपको लेके चलते हैं अंदर और आई होप आपको मतलब यू विल हैव अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। मॉक पे ले जाऊंगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। फाइनली हम आ गए हैं एक मॉक में, जहाँ पर आप इस पूरे 4.5 एकड़ के प्रोजेक्ट का एक मॉक देखोगे तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। अदरवाइज आपको पता है कि अभी सिंस इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन सो मैं बहुत ज़्यादा आपको समझा नहीं सकता था। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल मॉक। अगर आप देखोगे सो टोटल आप देखोगे कि इट्स अ कम्प्लीटली स्क्वायरिश शेप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, और 4.5 एकड़ में 500 फीट का फ्रंट है। तो 500 फीट अपने आप में बहुत ही बढ़िया फ्रंट होता है। आप कोई भी ऐसे कमर्शियल्स देखना जो अच्छे चलते हैं, दे हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रंट। तो अगर आप वैसे देखोगे टेक्निकली तो इट हैज़ मोर फ्रंटेज और कम डेप्थ है, बट ऑलमोस्ट स्क्वायरिश शेप का प्लॉट है आपका। विथ अगर इन्होंने देखोगे आप कम्प्लीटली तो व्हाट दे हैव डन कि इन्होंने ना बहुत सारे मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स बनाई है आप, सो दैट जो एक कम्फर्ट रहता है ना लोगों का कि एक सिंगल जगह से घुस के बार बार इधर जाना उधर जाना, वो चीज़ ना हो। एक कहीं से भी मतलब फ्रॉम वेयर एवर यू कम यू कैन डायरेक्टली एंटर और हर शॉप को एक पूरी विजिबिलिटी मिल जाती है। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस प्लेस, दिस इज़ 1 एंट्री, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ द 4th, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एंड दिस इज़ द 5th एंट्री, 6th, 7th, और इसके साथ एक एंट्री है विच इज़ वेरी यूनिक। ये 8th एंट्री आप देखोगे आज के डेट में, आप किसी भी मॉल में जाते हो तो आप देखते हो कि लाइक अ काइंड ऑफ फ्ली मार्केट होता है। टेम्प्रेरी कुछ दिन रहते, 3-4-6 महीने रहते हैं, एंड दे गो, समथिंग एल्स कम्स। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 9th एंट्री जिसके बारे में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता दूँ, वो है डायरेक्टली चांदनी चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से डायरेक्टली यू विल कम, यू विल सीधा आप यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे आप आ जाओगे। सो ये आप देख सकते हो इस जगह की ब्यूटी। डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन से उतरोगे एंड यू एंटर टू दिस ब्यूटीफुल मार्केट। इससे जो कम्फर्ट लेवल रहेगा लोगों का एंट्री करने का, आपको पता है मैक्सिमम लोग चांदनी चौक आज भी, या तो देखो अब पॉइंट क्या है दिस प्रोजेक्ट, ये जो बना है ये MCD और ओमेक्स के PPP प्रोग्राम के तहत बना हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम इसको कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या था, पहले दिस वाज अ कार पार्किंग एरिया। सो ये कम्प्लीटली कार पार्किंग एरिया था जहाँ करीब 400-500 कार पार्किंग पार्क होती थी। इसको ओमेक्स ने NDMC से लिया एंड ऑन ए प्रपोजल, जहाँ ओमेक्स इसको क्या करेगी कि मतलब यहाँ पर कम्प्लीटली 2200 के आसपास ये पार्किंग डेवलप करेगी, और इसके अलावा ये एक कम्प्लीटली मार्केट डेवलप करेगी और पार्किंग्स भी डेवलप करेगी। अब आप ये सोचोगे कि यार इतनी पार्किंग्स कहाँ से आएगी, पहले तो 500 पार्किंग की जगह थी। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव लाइक -3, -2, -1 में तो उन्होंने पार्किंग कर दी है। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स है, फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स है, सेकंड फ्लोर पे देर आर फूड कोर्ट्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ अ डबल हाइट फूड कोर्ट। और सिर्फ फूड कोर्ट में दे हैव अ प्रोविजन टू अकोमोडेट अराउंड 2000 पीपल एवरी डे, इंक्लूडिंग फूड कोर्ट से रेस्टोरेंट से। सो चांदनी चौक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, चांदनी चौक के साथ क्राउड के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है जगह, वो पॉइंट है। ये भी जगह शायद लोगों के लिए कम पड़ जाए, बट अल्टीमेटली दिस कैन बी, क्योंकि चांदनी चौक में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि हर चीज़ों को मतलब, एक होता है ना कि यार आज यहाँ पर ये 4.5 एकड़, अगर 40 एकड़ का भी कमर्शियल बनाया जाता तो शायद चांदनी चौक में कम पड़ जाता, बट 4.5 एकड़ तो समझ लो, चलो जितनी लैंड होगी उस हिसाब से डेवलप होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा इन्वेस्टमेंट वहीं करनी चाहिए जहाँ देर इज़ अ स्कैर्सिटी, क्योंकि चांदनी चौक में हम जनरली आते हैं शॉपिंग करने और पता लगता है यार ना वहाँ टॉयलेट से यूज़ करने के लिए, अच्छे से अच्छे आप दुकान में चले जाओ पता लगता है टॉयलेट ही नहीं है। यहाँ पर आप आओगे यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल फैसिलिटी, देर विल बी कम्प्लीटली एयर कंडीशन। और इसको ईजी करने के लिए इन्होंने जो बहुत सारे एंट्री एग्जिट्स बनाए हैं ना, एक तो इससे बहुत ईजी होता है,
और इसका जो मैं आपको बता रहा था जो मिडल ऑफ द एंट्री है, इट्स इज़ अ वेरी स्पेशल गेट। अगर आप देखोगे सिर्फ इस गेट की हाइट, जो एंट्रेंस हाइट है ना, वो 45 फीट रखी गई है टू मेक इट वेरी ग्रांड एक्चुअल में। और एंट्री करते ही यू विल हैव अ वेरी गुड डोम होगा एग्जैक्टली। और पूरे के पूरे मॉल को अगर आप देखोगे तो एक ऑर्डनरी मॉल नहीं है, क्योंकि एक चांदनी चौक को देखते हुए, बिकॉज चांदनी चौक इज़ अ हेरिटेज प्लेस फॉर इंडिया, तो चांदनी चौक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका मुगल आर्किटेक्चर भी दिखता है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर भी दिखता है, पुराना इंडियन आर्किटेक्चर भी दिखता है। तो उसको देखते हुए एक मिक्स ऑफ आर्किटेक्चर बनाया गया है, सो दैट यू हैव अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फीलिंग। इसको ऐसा नहीं बनाया गया कि मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं बनाया गया कि यार बहुत ही कोई नया आर्किटेक्चर है और इस तरीके से वो चीज़ें लगेंगी, सो दैट यू हैव अ कंटेम्प्रेरी इंडियन फील, कि आपको लगेगा कि हाँ यार आप इंडिया के बेस्ट एक हेरिटेज में बैठे हुए हो। बहुत बेस्ट पार्ट दे हैव डन, क्योंकि सिंस आपको पता है दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, तो इस पूरे इंटायर मॉल में दे हैव टाइड अप विद हनीवेल कंपनी, कम्प्लीटली एयर प्योरिफिकेशन होगा यहाँ पर, यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट एयर्स हेयर विद कम्प्लीटली एयर कंडीशन होगा। तो एक तरीके से जो चीज़ें होती ना, जैसे आप चांदनी चौक आते थे, सपोज मान लो हम अपने एक्सपीरियंस बताएं कि वी यूज़ टू कम टू चांदनी चौक, हम आते थे यहाँ पर, अब पता लगे यार यहाँ सही बता रहा हूँ यार, अब चलो ठीक है इन्होंने थोड़ा रीडेवलपमेंट किया तो उससे कम से कम एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा सही हुआ चीज़ें तो अब। लेकिन फिर भी अभी क्या है, आप जाते हो छोटी छोटी गलियाँ हैं, सिकड़ी हुई गलियाँ हैं, लोगों को भी वैसी आदतें होगी ना, या टॉयलेट्स है ना कुछ है। आप कभी चांदनी चौक में किसी की दुकान जाओ, बोले यार मुझे टॉयलेट आ रही है बताएंगे, वो आपको ऐसी टॉयलेट में भेजेंगे ना, आप जिंदगी में चांदनी चौक नहीं आओगे दोबारा। सो दिस हैपेंस। तो मेरा कहना है कि देखो इसका ये मतलब होता है कि बदलते हुए टाइम के साथ एक्सपीरियंस भी चेंज करना होता है लोगों का। अब यंगस्टर्स आते हैं, मान लो अब दुकान वालों के यंगस्टर्स आएंगे चांदनी चौक वाले, तो वो थोड़ा ना कहेंगे यार मुझे वैसे लाला टाइप दुकान में बैठना है। लोग करोड़पति अरबपति है, 300-300 फुट के कबूतर खाने में बैठे हैं वो। मैंने तो ऐसी ऐसी दुकानें देखी है जहाँ पर एक दुकान को दो पार्ट में डिवाइड करके बेटा नीचे बैठा हुआ है, बाप ऊपर बैठा हुआ है। सो यार वो चीज़ हो जाती है। तो नए जो जनरेशन वाले ना, दे विल डिमांड समथिंग डिफरेंट। और जो नए जो कस्टमर्स भी आएंगे ना, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके फादर आ गए मान लो इस टाइप के मार्केट में, मे बी आपके बेटे ना आना चाहे, या आपकी नई बहू नहीं आना चाहे, नेक्स्ट जनरेशन वाले ना आना चाहे, तो एक तरीके से इसको मेंटेन करने के लिए आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है ना, उसको आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर, जो बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज़ होती है। और जैसे फूड कोर्ट है यार, 2200-2300 लोगों का अकोमोडेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि चांदनी चौक स्पेशल लोग खाने पीने ही आते हैं। इतना ज़्यादा फुटफॉल होगा यहाँ पर, इतने कम, नियर अबाउट 700 शॉप्स है। और इसको ना बहुत ईजी किया गया यार, कंपेरेटिवली देखोगे ना, जैसे यहाँ पूरा वॉक अवे एरिया बनाया गया फ्रंट में आपका, हर इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया था 45 फीट का हाइट है, तो जो ब्रेथ भी है दैट इज़ ऑल्सो 25 फीट, इट्स अ ह्यूज एरिया। और इसके अलावा जितने भी एंट्रेंसेज है ना, बाकी एंट्रेंसेज भी, वहाँ पर भी 15-15, 16-16 फीट की स्पेस दी गई है। तो आप कहीं से भी देखोगे, मैं आपको ना अभी टेम्परेली एक एंट्रेंस बना हुआ जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो यू विल फील कि यार देर इज़ अ ह्यूज एरिया। और शॉप्स की भी हाइट काफ़ी अच्छी दी इन्होंने, 16 फीट इन्होंने शॉप्स की हाइट दी है। अब मैं जैसे आपको चीज़ों को समझाऊँ, यहाँ से ना कुछ चीज़ें आपको बेसिकली समझ में आ जाएगी। सो अब यहाँ से ना आपको ये समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। तो नीचे के पार्किंग तो अलग हो गई है, बाकी आप देख सकते हो कि लाइक ऊपर जो ये एरिया है ना, थर्ड और फोर्थ फ्लोर है आपका, तो ये पूरी पार्किंग का एरिया। तो एक तरह से क्या होता है ना, अब इतना इजी हो जाएगा लोगों के, लोग यहीं आएंगे, लोग यहीं पार्किंग करेंगे और यहीं आ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, शॉप्स वालों भी फिर लोग क्यों हो जाएंगे, तो एक तरह से सपोज मान लो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर व्हाट दे हैव डन, देखो अब नेचुरल सा बात है, क्योंकि इट कैन बी होलसेल एरिया ऑल्सो। सो अब उस केस में क्या होता है ना, कि ओनर्स के लिए भी कन्वीनियंट बनाना होता है कि यार ट्रू एंड फ्रॉ सामान कैसे लोडिंग अनलोडिंग हो। तो उस केस में व्हाट दे हैव डन, इन्होंने ना हर फ्लोर पे देर इज़ अ प्रोविजन की डायरेक्टली जो लोडिंग अनलोडिंग की जो गाड़ियाँ होती हैं वो आएंगी, हर फ्लोर पर इन्होंने कॉरिडोर बनाए, वहाँ तक वो डिलीवरी हो जाएगी। सो इससे ईजी है, ऐसा नहीं कि हर बार -3 में सामान आएगा, -3 से आपको लेके जाना अलग अलग लिफ्ट में, वैसा नहीं है, डायरेक्टली आपके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इट इज़ एज कन्वीनियंट एज कि जो बंदा शॉप में बैठा है ना, वो उसको भी डायरेक्ट ट्रक नहीं आती, कुछ नहीं आती, इतने प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, उनके लिए भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। 200 तो इन्होंने सिर्फ बसेज की पार्किंग बनाई है यहाँ पर, तो जिससे, और इसके जस्ट अपोजिट आप देखोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट का टूरिस्ट ऑफिस बन रहा है। सो बेसिकली इससे ये भी फायदा होगा कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, टूरिस्ट की इंक्वायरी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, क्योंकि यह ना आसपास काफ़ी सारा हेरिटेज एरिया, अगर आप देखोगे तो चांदनी चौक इज़ इटसेल्फ हेरिटेज एरिया। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, सो यू नो देर इज़ अ लाल किला, लाल किला यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, पूछा महाजिन यहाँ से जस्ट बैक डिस्टेंस पे आपका पूछा महाजिन मार्केट है, वहाँ से वॉक करोगे क्योंकि वो गाड़ियाँ आने का एरिया बंद कर दे, वॉक करके आप जा सकते हो लाल किला। तो लाल किला यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है आपका। उसके बाद अगर आप देखते हो जामा मस्जिद है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज। तो ये वो लोग हैं जो फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं काफ़ी सारे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक देर इज़ किनारी बाज़ार, दरीबा कलाम, नई सड़क है, एक पराठे वाली गली है, टाउन हॉल है,
सीसगंज गुरुद्वारा साहिब है जो कूचा महाजी ने मैंने आपको बताया विच इज़ वेरी फेमस। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली एनसीआर में कोई बंदा रह रहा होगा और ही हैज़ नॉट कम टू कूचा महाजिनी। इट्स सो फेमस प्लेस। तो मेरा कहना है कि कूचा महाजिनी के तो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, कूचा महाजिनी तो यहाँ से आप जैसे आप क्रॉस करते हो यू रीच टू कूचा महाजिनी, इट्स सो क्लोज फ्रॉम हेयर। ठीक है, और इसके अलावा देर इज़ अ भागीरथ पैलेस और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब भागीरथ पैलेस भी इसके बिल्कुल रोड अक्रॉस है, तो भागीरथ पैलेस आपको पता है इट्स अ वेरी बिग इलेक्ट्रिकल एरिया, सो कम्प्लीटली एक होता है ना कि मतलब शिफ्ट ओवर हो सकता है या एक एडिशनल, और जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे बैठे दे कैन हैव एडिशनल शॉप्स हियर। सो दिस वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस विल बी अ प्लेस फॉर लाइक, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट दिस विल बी अ प्लेस फॉर इलेक्ट्रिकल एरिया, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल एरिया भी आपका बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है क्योंकि यहाँ ना कोई भी चीज़ आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब बाहर से नहीं लाना गया कोई गुड़गांव का ब्रांड है यहाँ आना है या लंदन का ब्रांड है यहाँ आना है, यहाँ के लोकल ही लोग हैं जो लोग ऑपरेट करेंगे यहाँ पर। सो बेस्ट थिंग क्या होगा, जैसे सपोज मान लो मेरा कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल्स है विच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि भागीरथ पैलेस ऑलरेडी सेंटर है, मतलब भागीरथ पैलेस इज द सेंटर ऑफ एशिया फॉर इलेक्ट्रिकल्स। सो मेरा कहना है एक इतना बड़ा एक होता है ना कि वो चीज़ें यहाँ शिफ्ट हो सकती है या फिर एक मतलब एडिशनल लोग एज ए एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि फुटफॉल जहाँ आएगा लोग तो वहीं जाना चाहेंगे। सेकंड थिंग है ब्राइडल वेयर, आपको पता है ब्राइडल वेयर का मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है, लोग और चीज़ में खर्च करें ना करें, शादी तो लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो दुल्हन के कपड़े हो चाहे दूल्हे के कपड़े हो, आपको पता है। और आज के रेट में जैसे जैसे ट्रेंड आता जा रहा है लोग नॉर्मली 4-4, 5-5 लाख रुपए के तो ब्राइडल ऐसे ही मतलब ब्राइडल वेयर शादी में वैसे ही खर्च कर लेते हैं, वो मैं मिडिल क्लास की बात करूँ, हायर में तो कितने अंत तक चले जाते कोई पता ही नहीं है, मैं तो 50-50 लाख के लोगों ने ब्राइडल वेयर देखे हुए लोगों के पहने हुए। तो देर इज़ नो लिमिट एक्चुअल में, सो दिस कैन बिकम अ सेंटर ऑफ दिस। और आपको पता है आज भी चांदनी चौक उसका सेंटर ही है एक्चुअल में। सो ये दो चीज़ें हैं जिसके जिसके चांदनी चौक सेंटर्स है, वो हो गया चांदनी चौक, इट कैन बिकम अ प्लेस ऑफ द गोल्ड, पूरा कोचा महाजिनी जो है आपका वो गोल्ड मार्केट से भरा हुआ आपका। सो जितने भी गोल्ड के होलसेलर्स एंड रिटेलर्स दे कैन कम हेयर। सो एक तरह से नहीं होता कि मतलब आपको अगर गोल्ड खरीदना होगा तो बेस्ट होगा सीधा आप सीधा मेट्रो पकड़े यहाँ आ गए या फिर यू कम हेयर डू योर पार्किंग हेयर एंड आप आ सकते हो यहाँ पर। एग्जैक्टली, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी, पूरा हैंगआउट के लिए जगह बना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आओगे या बोर होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक पूरा आपको फैसिलिटीज़ मिल रहा है। उसके अलावा व्हाट दे हैव डन, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेरेस को भी इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया है, दे विल मेक लॉट ऑफ सिट आउट्स एरिया बनाएंगे कल्चरल इवेंट्स के लिए, दे विल मेक सम ऑडिटोरियम्स ऑल्सो और काइट फ्लाइंग एरिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ना दे विल मेक लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, लोग आके ना पीपल विल फील, मतलब एक होता है ना कि लोग अब इन्जॉय भी कर पाएंगे इस जगह को, तो वो भी चीज़ें हैं। आजकल पता है आपको पता है टेरेस का बहुत बड़ा कल्चर है, अच्छे अच्छे लाइट्स लगा दो तो कितना ब्यूटीफुल लगता है आपको दिखने में। तो बेसिकली ये किया गया है कि जो आज के डेट में लोग चाहते हैं उसको थोड़ा ट्रेडिशनल वे से सर्व किया गया आपको, और 4.5 एकड़ का कमर्शियल बन जाएगा ना अपने आप में एक हब हो जाएगा, क्योंकि देखो आज के डेट में एवरीबडी वॉन्ट टू कम टू अ सेंटर एक्चुअल में, वहाँ आ जाए लोग सेम होंगे जो आएंगे, मे भी हो सकता है। और देखो अगर इस टाइप के मार्केट्स बनेंगे तो यंगस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कई ब्रांड है अंदर अंदर गली में बैठे हैं, उनको दुकान ही नहीं मिलती, वो आ जाए उनको एक प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाएगा, मतलब एटलीस्ट उनके जो यंग जनरेशन है उनका भला हो जाएगा। कई बार यहाँ से डिस्प्ले में आने से बेसिकली क्या होता है ना, कई बार इतना बड़ा लैंडमार्क मिल जाता है कि दे कैन गो लाइक, अब वो फ्रेंचाइज मॉडल पर भी जा सकते हैं। सपोज मान लो देर इज अ मान्यवर, इट्स अ बिग ब्राइडल वेयर बनाता है, एग्जाम्पल मान लो वो लड़कों का शेरवानी ऐसा बनाता है, पूरे भरे पड़े चांदनी चौक में, अब ऐसे और सारे ब्रांड्स एक्सपोज हो जाएंगे सामने, मे भी हो सकता है उनमें से भी कोई मतलब एक होता है ना कि सम मोर पीपल कैन गो ऑन अ फ्रेंचाइज मॉडल या फिर और भी मल्टीपल जगह पे वो अपना ब्रांड खोल सकते हैं, तो वो जो एक्सपोजर है ना वो यहाँ मिल सकता है आपको। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ चांदनी चौक में देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है उनके दादाजी ने अंदर जाके गली में दुकान खोल दी थी, अब वो फ्रंट पे जाते उनको मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ चांदनी चौक में ये प्रॉब्लम नहीं कि पैसे तो भी जगह नहीं मिलती है, चांदनी चौक में तो ये हाल है, मतलब इट्स ये एक स्केयर्स प्रोडक्ट एक्चुअल में, यहाँ स्केयर्स मार्केट में बैठे हुए, यहाँ ऐसा नहीं बैठे कि मतलब देर इज़ एकदम सामान भरा पड़ा है और आप ले लो, वो चॉइस नहीं है कि यार आप 10 दुकानें उसमें से हाथ रखो, तो ये एक लास्ट मौका है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि आज आप इस मौके को छोड़ दो, आफ्टर 10 ईयर्स यू विल रियलाइज़ कि यार मैंने तो छोड़ दी चीज़ें, यहाँ आपको मिले ही ना शॉप, जो शॉप एक बार बिक जाएगी लाला जी बैठ गए वो खाली नहीं करने वाले। आप बिलीव नहीं करोगे सिर्फ चांदनी चौक का जो ऑफिशियल फिगर है दैट इज़ 6.5 लाख पीपल एवरी डे, मतलब 6.5 लाख लोग चांदनी चौक में आते हैं पर डे। अब मेरा कहना है अगर ये चीज़ें पे अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो और क्या चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे। कई बार लोग मैं गुड़गांव में प्रोडक्ट लोगों को सर्व करते लोग बोलते यार बहुत यार यहाँ तो पॉपुलेशन ही नहीं, ये नहीं है, कम से कम यहाँ तो हम तो बिल्कुल पॉपुलेशन के बीचों बीच ला के आपको लैंड करा दिया हमने। तो ये चीज़ें हैं, 50 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो चांदनी चौक में यू कैन बिकम अ ओनर विद 50 लाख रुपीज़ ऑन द बिगिनिंग। एंड तो कुछ भी नहीं, एंड तो आप 30 करोड़ रुपये तक चले जाओ, तो वहाँ से स्टार्ट होगी, इन बिटवीन आप कोई भी टिकट साइज़ में चले जाओ, ब्यूटीफुल प्लेस है, रेंटल खाना है सीधा हमें कॉल करो चला के और लैंड कर जाओ यहाँ सीधा, बढ़िया एकदम, इससे अच्छा प्रोजेक्ट
फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, मे बी इन फ्यूचर कभी कुछ आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। सो गाइज मैं वापस से अंदर जाके बाहर आ गया सो दैट मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊँ कि ऑन ग्राउंड कैसे कैसे चीज़ें हैं एग्जैक्टली। तो मैंने जैसे आपको बताया था ना कि देर आर लाइक 9 एंट्रीज, जिसमें से 8 आगे होगी और 1 मेट्रो स्टेशन की तरफ से होगी। सो इस तरीके से अब आप एक तो डेफ्थ देखो पूरे प्रोजेक्ट का, फ्रंटेज देखना कितना बड़ा फ्रंटेज है। सो एक तो ये कैप्टिव साइट नहीं है, दिस इज़ अ ये खुली हुई साइट है। प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा लोगों को कि प्रॉपर अगर कोई ब्रांड भी लगाता है तो प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। और भागीरथ पैलेस जो मैंने आपको बताया था दैट्स जस्ट रोड अक्रॉस, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। मतलब हमें तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को चांदनी चौक गाड़ी लगाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, आज मुझे पता लगे कि यार इतने कन्वीनियंटली पार्किंग हो रही है। सो वी कैन डू, कोई इशू नहीं है। आप देखो ना, मैं आपको कंप्लीट वॉकओवर करा रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चे ये देखो, ये जो है ना इस तरीके से आपको एंट्रेंस दिया जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं जितनी चीज़ें बनी है वो आपको दिखा दूँ। यू कैन सी द फ्रंट बोर्ड ऑल्सो, इसमें आप देखना मतलब लाइक क्लियर लिखा हुआ है कि मतलब PPP मॉडल में ये बनाया गया है। मैं ना आपको चीज़ें दिखाता जाऊँगा, यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया। आप देखो कहाँ तक फ्रंट जा रहा है, और इसी के पीछे मेट्रो स्टेशन है, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली मतलब लोग आएंगे तो ईजी है। मतलब आप देखना थोड़े देर में देर आर गेट्स, एक्चुअल में सीधा गेट आओगे एंट्री करोगे, एक गेट आपका एज ए डिस्प्ले थोड़ा बहुत तैयार हुआ हुआ है जो मैं आपको दिखा दूंगा एग्जैक्ट। आप देखो ये तो वो गेट्स हैं जो नॉर्मल गेट्स हैं आपके, मेन गेट तो मैं आपको दिखाऊंगा जो डबल हाइट वाले होते हैं आपके, यहाँ तक आप आए हो, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यू कैन सी। तो इस तरीके से चीज़ें, अब तो एंड आप जाके मैं कितनी चीज़ें दिखाऊँ आपको। तो मैंने आपको जो दिखाया था ना कि एग्जैक्टली यहाँ तक आपकी पैसेज बन जाएगी कम्प्लीटली, आप अपना आओगे मतलब लाइक ये पूरा पैसेज बन जाएगा वहाँ तक, तो आप अपना आओगे वॉक करते करते जहाँ से भी आपको मन करे आप डायरेक्टली एंटर कर जाना, आपको ये ट्रबल नहीं है। और बीच वाला तो आपको इतना ग्रैंड फीलिंग देता है। तो ये ना चेंज है एक्चुअल में, जो नया क्राउड आएगा ना वो एक्सपेक्ट करता है कि यार उसको एक अच्छी जगह चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, एयर प्योरीफायर चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने जो नॉर्मल लॉबीज़ भी दी है ना फ्रंट की, तो इन्होंने 25 फीट की दी है, अंदर की भी इन्होंने 1915 से 16 फीट की दी है। आप चांदनी चौक में कुचा माजी नहीं मिले कभी घूमना, उससे जितनी गली होती है ना उससे चौड़ी तो इनके इन्होंने लॉबी एरिया दी है। तो अब के लोग ना इस तरीके से वो करना चाहते हैं। और कुचा महाजिनी यहाँ से आप जो वॉक करके जाते हो ना वो है जो कम्प्लीटली उसका भी रीडेवलपमेंट हो गया है, तो वहाँ से आप रेड फोर्ट चले जाते हो वॉक करते करते, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब मैं ना अंदर ले जाके ना आपको थोड़ी लॉबी शॉबी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेन लॉबी तो रेडी नहीं हुई है, जो नॉर्मल वाली लॉबी है, जो वन ऑफ द लॉबीज़ है वो रेडी हुई है। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ, मेन लॉबी में टाइम लगेगा रेडी होने में। ये आप देख लो पूरा प्रोजेक्ट अंदर से, बाहर से आपको दिखा दे ताकि यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया। आप अंदर से भी देखो, फील देखो आप, एकदम ग्रैंड फीलिंग नहीं आ रहा कि मतलब किस टाइप से लॉबी तैयार कर रहे हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा पिलर बेस है बड़ा बड़ा, जैसे पुराने मतलब लाइक पुराने किसी भी मॉन्यूमेंट्स में या पुराने उस पर देखो बिल्डिंग में। और इस तरीके से आप देखो ये जो चीज़ें ना, ये वो लॉबीज़ हैं जो मेन लॉबी की मैं बात भी नहीं कर रहा, मेन तो 25 फीट की लॉबी है, जब ये नॉर्मल लॉबीज़ भी इतनी चौड़ी होगी और एक एक शॉप 16-16 फीट की हाइट है, तो विच इज़ अ वेरी गुड हाइट। वही मैं आपको आइडियली बोलना चाह रहा हूँ कि कितना बढ़िया एक फीलिंग दे रहा है। नॉर्मल लॉबी में जब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है आपकी, तो आगे की लॉबीज़ तो मैं आपको दिखाऊंगा, यू विल हैव अ वेरी, ठीक है ना, वो भी मैं अंदर तक आपको वॉक करके ले जाऊंगा। एक एक शॉप की जो फ्रंटेज है ना वो बहुत अच्छी है, इन्होंने किसी भी फ्रंटेज को दबाया नहीं है। ये सारे गेट्स हैं जो तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे करके, थोड़ी आज बारिश भी है सो थोड़ा रेनफॉल वाला माहौल भी है, बट अच्छी बात ये कि मतलब मौसम भी अच्छा है बनाने के लिए वीडियो। आप देखो गाइज ये वाला जो एरिया होगा ना, ये नॉर्मल लेजर नहीं होता कि आप ट्रू एंड फ्रॉ करने के लिए, ये भी कितने स्पेशियस बना है। चांदनी चौक आती है आपका दिमाग आपको कभी चलता ही नहीं कह रहा आपको इतनी स्पेशियस चीज़ भी मिलेगी, तो अगर आपको यहाँ की इतनी स्पेशियस चीज़ मिल जाए तो इट्स अमेजिंग थिंग। ये कंस्ट्रक्शन वाली साइट है तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको इधर उधर ले जाने में। ये है प्रॉपर आपका एंट्री, जो मेन एंट्री आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर पिलर्स लगेंगे, प्रॉपर आपका डोम लगेगा, कितना प्यारा लगेगा। आप सोचो डबल तो नहीं, इट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल हाइट एंट्री, 45 फीट की एंट्री और 27 फीट की लॉबी है। अब इतना कंफर्ट आपको दिया गया है, मतलब आप सोच रहे हो कि घूमते घूमते कहीं भी जाओ, कहीं भी एंटर करो, कहीं भी चीज़ों को लो, तो पीपल विल कम। और बैक साइड पे आप देखोगे सीधा पार्किंग से आप एंटर कर गए, पूरी पार्किंग्स का जो भी एंट्री है वो बैक साइड से है, तो मतलब कहने का मतलब है हर फ्लोर, मान लो आपकी शॉप फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सो ऐसा नहीं कि ग्राउंड फ्लोर पे या -3 में आपका सामान आ रहा है ट्रक से या छोटे वाले मिनी ट्रक से फिर लोड हो रहा है,
सीधा आपके फ्लोर पे ही देर विल बी एक कॉरिडोर होगी और पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज होंगी, वहाँ आपका सामान आएगा, वहाँ से आप पिक करोगे। सो एक लोगों के लिए भी ना, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर पीपल ओनली, शॉप्स वालों के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा ये चीज़ें। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में यही प्रॉब्लम आती है कि हर चीज़ हम नहीं दिखा सकते, बट जो जो चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं विल शो यू, बट जो भी चीज़ बनी है इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आपको मैं बता नहीं सकता। अगर मेन वो बन गया होता तो शायद बहुत ही प्यारा लगता, बट नहीं भी बना है तो भी ठीक है, इट्स ओके। हम कोशिश करते हैं जो भी दिखा सके वो दिखाएं आपको। सो ये वन ऑफ द एंट्रीज है, ठीक है, वन ऑफ द एंट्रीज है, और बाकी शॉप्स को भी कॉरिडोर्स दिया गया है मैचअप करने के लिए, तो हर तरफ से ना देर आर वाइड वाइड कॉरिडोर्स। अब आप देखो इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, वैसे एक जस्ट डिस्प्ले बनाया गया है सो दैट लाइक यू हैव एक फेयर आइडिया कर लो कि यार किस तरह की दुकानें हो सकती हैं मे बी इन फ्यूचर, तो एज अ वो नहीं है, जस्ट अ डिस्प्ले। सो गाइज एक तो फिर इनके इसके अलावा इनका CSR एक्टिविटीज़ में आप देखोगे तो व्हाट दे एक जैसे सपोज जो भी रोड आपने सामने देखी थी उसका ब्यूटिफिकेशन भी होगा, दैट विल बी डन बाई ओमेक्स ओनली, तो ये भी CSR एक्टिविटी में दे विल डू। इसके अलावा ये ना बैटरी ऑपरेटेड कार्स चलाएंगे जगह जगह पे सो दैट पीपल कैन कम टू द मेट्रो स्टेशन, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि दे विल चार्ज एनीथिंग। सो आप देख लो हर लॉबी से डायरेक्टली पीपल आर एंटरिंग, और हर लॉबी को कनेक्ट करने के लिए दे हैव गिवन अ वाइड स्पेसेस, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दे हैव डन। आप देखो ऐसे ऐसे शॉप्स होंगे, आपको कहीं से भी ना क्लस्टर्ड नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बनाया गया, क्योंकि देखो दे नो कि बहुत ज़्यादा क्राउड आएगा यहाँ पर, तो उस हिसाब से चीज़ों को मतलब लाइक वैसे किया गया आपका है ना हर लॉबी में। और लॉबी देखो पैसेज थोड़ा थोड़ी देर में पैसेज आ रही है, मतलब आप ये समझ के चलो कि कोई भी दुकान कैप्टिव नहीं होगी यहाँ पर, दिस इज सच ए प्लेस, यहाँ कोई भी शॉप ले लो यू विल नॉट फील कि यार ये दुकान अंदर है ये बाहर है। सो इससे ये भी आता है कि मतलब एक तो सारे लोग इक्वली रहेंगे और चीज़ें क्या है कोई शॉप कैप्टिव नहीं होगी तो लोग भी इजीली शॉपिंग कर सकते आके। ये आप देख लो गाइस जो मैं आपको बता रहा था ना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिपल हाइट लॉबी विच विल वेट फॉर यू, और यहीं से मतलब एक कंप्लीट आपका एक ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल एक मॉन्यूमेंट में घुस रहे हो, तो राजा महाराजा के प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, तो पूरा डोम बनेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, पूरा आर्किटेक्चर होगा, अभी भी थोड़ा थोड़ा सैम्पल के हिसाब से बन रहा है, तो यू विल फील दिस, काफ़ी मतलब अच्छा फील आएगा आपका। और आप गाइज एक चीज़ अब मैं आपको शॉप में दिखाता हूँ, एक चीज़ें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी आपको बता दूँ। अब आपको ना ये पूरे स्टील के फ्रेम दिखेंगे ऊपर, ये हर तो व्हाट दे हैव डन, जो ये छत है इसमें नॉर्मल इन्होंने जो ट्रेडिशनल होता है सीमेंट वाला वो यूज़ नहीं किया, प्रॉपर स्टील है, और ये भी मतलब देर इज़ ए जिंदल स्टील से इन्होंने कोलेबरेशन किया टू प्रोवाइड द स्टील, और इसके अलावा फिर आयरन रॉड्स लगाए, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इतना मजबूत बना रहे कि 100 साल 150 साल तक स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होना, मे बी 250-300 साल तक कुछ नहीं होना, बट मेरा कहने के इतना लंबा आपको बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या हो रहा है कि आफ्टर 20-30 ईयर्स समटाइम्स द बिल्डिंग बिकम रिटार्डेड, तो वो फीलिंग नहीं आएगी आपकी,